देहरादून में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता स्वास समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मौजूदा वर्ष में करीब 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प सम्मान दिया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह सम्मान हॉस्पिटलों के पैरामीटर पर दिया गया है। कायाकल्प अवार्ड 2015 से शुरू किया गया था और इसमें करीब 25 लाख रुपए की धनराशि उन अस्पतालों को दी जा रही है जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद एनएचएम डायरेक्टर स्वाति भदौरिया ने कहा कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बेहद जरूरी है, जिसके माध्यम से हम प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक सौ चवालीस हॉस्पिटलों को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसे है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं जी। यहाँ पे 144 चिकित्सा इकाइयों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है क्योंकि मात्र क्वांटिटी से ही नहीं बल्कि क्वालिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके माध्यम से हम एक प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट कर सकेंगे। और इसमें कई सारे पैरामीटर्स है जिनका असेसमेंट होता है और उसके आधार पर इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ में कुछ पुरस्कार धनराशि भी दी जाती है जिससे कि उनका आगे के लिए और बेहतर करने के लिए भी प्रोत्साहन हो सके। तीन हॉस्पिटल्स को एक SGH रुड़की, SGH महिला को हमारा जो महिला हॉस्पिटल है उसे अवार्ड मिला है और एक PSC है हमारी नेशनल PSC रोशनाबाद, इन्हों को हमें अवार्ड मिला है। SGH रुड़की को हमारे पूर्व में भी 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं और CRW जो हमारा हॉस्पिटल है उसे पूर्व में 3 बार अवार्ड मिल चुके हैं। कायाकल्प का जो परिकल्पना है ये सभी अस्पतालों में आपस में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए है, एक हेल्दी कंपटीशन हो ताकि एक से एक बढ़कर हम लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले। और इस संबंध में ये कायाकल्प जो हमारा कार्यक्रम है मील का पत्थर साबित हुआ है।